वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये स्मोकी लुक जो मैंने ग्रीन कलर के आई शेडो से बनाया है। सो लेट्स चेक द वीडियो। हे गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। तो आईब्रो को फिल करने के लिए मैं ले रही हूँ एक आईब्रो पेंसिल, जिसे मैं एज यूजुअल जैसे ही करती हूँ वैसे ही अपनी आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। और दोनों ब्राउज को फिल कर लूँगी मैं उसी आई लाइनर से। के बाद में थोड़ा सा कॉम कर लूंगी अपनी ब्राउज को। उसको फिल करने के बाद मैं अब बेस बनाऊंगी अपनी आईज से। यहाँ पर सिक्स ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैं व्हाइट कलर पिक कर रही हूँ और ब्राउज की आउटलाइन बना लूंगी, जिससे कि ये थोड़ी और इनहेंस दिखेंगी, थोड़ी सी ब्राइटन दिखेंगी। ब्राउज को हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्पंज के एक्सेस को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। जैसे यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, उसके एक्सेस में उसको हल्के हल्के से डैब डैब करते हुए सेट कर लूँगी। खत्म हो चुका है। सो अभी बारी आती है अपने आईलिड्स को हाईलाइट करने की। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइटिंग कलर का कंसीलर दे रही हूँ और अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंसीलर ब्रश की हेल्प ले रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं स्पंज को सेट कर ले रही हूँ। अपनी क्रीज लाइन को बनाने के लिए एक डार्क कलर का कंसीलर यूज कर रही हूँ, ब्राउन कलर का, जिससे मैं अपनी क्रीज लाइन को थोड़ा सा आउटलाइन कर रही हूँ। करने के लिए यहाँ पे मैं एक फ्लफी ब्रश यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पंज से भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं यहाँ पे फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको सेट कर रही हूँ। और अब मैं अपनी ब्राउज को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लूँगी। मुझे वो कम लग रही थी थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा डार्कन करने के लिए और हाईलाइट कर रही हूँ उनको। अब मैं ग्रे कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ और जिससे मैं एक हल्का सा बेस बना लूँगी। और आई शेडो को पिक करने के लिए मैंने एक एप्लीकेटर ब्रश लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रश से किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर टिप से भी कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेटर से अप्लाई करी और उसके बाद मैं फ्लफी वाले ब्रश से थोड़ा सा उसको ब्लेंड करूँगी। सो अभी मैं क्योंकि हम ग्रीन कलर की आई बनाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ आई शेडो पैलेट में से। ये मेरा पैलेट मास्क का है। सो मैं हल्का हल्का सा ट्रांजिशन शेड बना रही हूँ ये वाला ग्रीन कलर पिक करके। तो या इसको मैं क्रीज लाइन पे लगा लूँगी एंड आउटर कॉर्नर में भी थोड़ा सा लगा लूँगी। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ मैं इसको सेट करते हुए ब्रश की हद से लगा लूँगी। तो अभी मैं ब्यूटी पीपल की आई शेडो पैलेट में से ये डार्क ग्रीन पिक कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने पिक किया है डार्क ग्रीन कलर। अब मैं इसे पूरा आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी। जो कि मैंने ट्रांजिशन शेड बनाया था वो ऊपर से दिखेगा थोड़ा थोड़ा, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। सो या मैं अप्लाई कर लूँगी विद द सेम ब्रश। तो अभी मैं आईलाइनर लगा ले रही हूँ। मैं आज आईलाइनर थोड़ा ज़्यादा लंबे लंबे विंग्स बनाऊँगी, क्योंकि इस लुक के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो या मैंने वही बनाए हुए हैं, यू कैन सी। तो ऐसे तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कंसीलर फिर से वाइट कलर का पिक करी और आईब्रो के नीचे थोड़ा सा लगाऊंगी। मेरी आईब्रो कम इनहेंस लग रही थी, जैसा मुझे चाहिए था वैसा लुक नहीं आ रहा था। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से वाइट कंसीलर अप्लाई किया और मैं अंडर आई एरिया में भी लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं फेस पे भी स्टार्ट कर दिया है। मेरी आईज़ पूरी बन चुकी हैं। तो अब मैं बेस बना रही हूँ। बेस बनाने के लिए मैं दो कलर के कंसीलर यूज़ किए हैं, एक डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है और एक वाइट कलर का कंसीलर यूज़ किया है। और इनको मैं एप्लीकेटर ब्रश से अप्लाई करके इस पॉइंट से ब्लेंड कर दूँगी। तो ऑलमोस्ट फेस का भी बेस बन चुका है। मैं आपको ब्रॉन्जर वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेस का पूरा स्पंज कर चुकी हूँ मैं, थोड़ा सा फॉल्ट पे रह गया है, सो उसको भी मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं पतला वाला ब्रश लेकर, एंगुलर ब्रश लेकर, ब्लू कलर का आई शेडो पिक करके अपने वाटर लाइन पे लगा लूँगी, जिससे ये जो मैंने मेकअप किया है आई का, वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगने लगेगा। ग्रीन और आई का, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैं लगा लूंगी काजल। सो मैं वाटर लाइन पे काजल लगा रही हूँ। सबके लिए आज कोई ब्लश नहीं यूज करी, मैं सिर्फ कंसीलर पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर का कंसीलर लेके अपने ब्लशर और कॉन्टोरिंग दोनों ही कर ले रही हूँ। तो मैं
अपनी हाइलाइटर पैलेट में से वाइट कलर का हाइलाइटर लेके अपने ब्राउ बोन्स पे लगा लूँगी, ये थोड़े हाईलाइट खोलूँगी तो और भी अच्छा लगेगा आई मेकअप। तो हमेशा आप याद रखिएगा, आई मेकअप को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हमेशा हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए अपने ब्राउ बोन्स पे। थोड़ा सा अपने नोज़ पे भी लगा लूँगी हाईलाइटर, ब्राउज के ऊपर भी लगा लिया है मैंने, और नोज़ को और हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा और लगा लूँगी, चीक्स पे लगा लूँगी। तो हाइलाइटर को ऑल ओवर द फेस हमें ऐसी जगह पे लगाना होता है जिनको हमें हाईलाइट दिखाना होता है थोड़ा सा। तो अब मैं लिप लाइनर लेके लिप्स क्रिएट करने वाली हूँ। अब मैं अपनी लिपस्टिक लगा लूँगी, मैं आज पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ गाइस। तो एज अ ब्रश भी यूज करती हूँ मैं, थोड़ा सा लगा लूँगी टचअप देने के लिए। All done guys। The video. So if you like the video, please hit like and share with your friends and comment me below and subscribe my channel. So milti hai mere next video mein, tab tak ke liye bye bye, love you all.